रायबरेली मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। देश में कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स ने कहर मचा रखा है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। केरल व दिल्ली में 4 संक्रमितों के मिलने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले का स्वास्थ्य विभाग ने भी इससे निपटने की तैयारी कर ली। फिलहाल अभी जिले में कोई भी इससे संक्रमित मरीज नहीं मिला। दरअसल पिछले लंबे समय से कोरोना के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग तैयारी करके उससे निपटने के लिए तैयार था, लेकिन अभी कोविड का असर कम भी नहीं पड़ा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप शुरू हो गया। देश में अब तक इससे संक्रमित 4 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। रायबरेली के जिला अस्पताल में मंकी पॉक्स के संक्रमितों के लिए एक वार्ड बना दिया, साथ ही सीएससी में भी टेस्ट कराने का निर्देश दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि हमने जिला अस्पताल में 6 बेडों का एक आइसोलेशन वार्ड बना दिया, साथ ही इसके लक्षणों को मिलने पर संक्रमित का ब्लड लेकर उसको लखनऊ भेज दिया जाएगा और डॉक्टर उनके सहयोगी की एक टीम बना दी गई है जो लगातार इस बीमारी पर नजर बनाए हुए हैं। अभी तक जिले में ऐसा कोई भी संक्रमित नहीं मिला। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। देखिए, मंकी पॉक्स के अभी हमारे जो है देश में कन्फर्म केस 4 सूचित हुए हैं, 3 केरला में और 1 दिल्ली में, और नोएडा गाजियाबाद में भी संदिग्ध उसमें है। हमारे जनपद में कोई केस अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। तैयारी के लिए पूरा जनपद अलर्ट पे है। जिला अस्पताल को 10 फीट आइसोलेशन के तैयार करने के लिए कह दिया गया है। लक्षणों के बारे में अपने समस्त स्टाफ को प्रशिक्षित और ओरिएंटेशन किया जा रहा है। टेस्ट करने की व्यवस्था हमारे पास पहले से ही सुनिश्चित है। कोई भी लक्षणयुक्त व्यक्ति अगर मिलता है तो प्रयास ये है कि उसका तुरंत उसका सैंपल भेजा जाए और जैसा रिपोर्ट है आगे की कार्रवाई की उस हिसाब से की जाएगी। इसके लिए अदर से कितनी टीमें बनाई गई हैं नहीं क्या जांच करने की कितनी टीमें बनाई गई हैं? नहीं, हमारे यहाँ पूरा एक यूनिट है जांच करने के लिए। सभी जगह जांच की व्यवस्था है। सभी सीसीज में हमारे यहाँ जांच की सैंपल कलेक्ट करने की व्यवस्था है। बाकी सैंपल कलेक्ट करके उसको लखनऊ भेजते हैं और आवश्यकता पड़ने पर आगे की जांच के लिए पुणे भेजने की व्यवस्था है। तो सब टाइम लाइन है।